अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राजा दील ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अब तमाम देखने वालों का बहुत शुक्रिया। और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है शेख रशीद अहमद, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इतिहादी थे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर पिंडी से एक सीट जीती थी। लेकिन सीट जीतने के बाद जैसे ही वो गिरफ्तार हुए, फिर उसके बाद उन्होंने अपनी राहें जुदा कर ली। लेकिन आज शेख रशीद यहाँ किधर मंडलाटे फिरते हुए नजर आ रहे हैं, ये सारा कुछ आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। जी हाँ, ये आपको नजर आ रहे हैं जी मरवत, शेर अफजल मरवत साहब। शेख रशीद उनके ऑफिस में पहुंच गए मदद मांगने के लिए। और क्या मदद मांगी, किस वजह से मदद मांगी और किस मदद के लिए पहुंचे हैं? क्या उनको कोई वकील नहीं मिल रहा था? कोई उनको वकील नहीं मिल रहा था कि जो वकील उनकी फर्दर मुआवनत कर सके? और ये आप देख सकते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दलेर और ना डर वकील शेर अफजल मरवत के ऑफिस में शेख रशीद अहमद पहुंच चुके हैं और इनसे मदद तलब कर ली है। तो शेर अफजल मरवत भी खुशगवार मूड में उनको वेलकम किया और बैठाया। तो मजीद शेर अफजल मरवत ने एक यूट्यूबर से गुफ्तगू की, क्या गुफ्तगू की वो भी आपको सुनवाते हैं। अगर आपने राजा दील ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जब हम कन्वेंशन में जाते थे तो वो रास्ते में हमें रोकते थे, उस सूबे में या उस जिले में जाने के बाद। कल इन्होंने हमारे साथ आत कर दिया कि इधर ही घर से निकलती, इन्होंने मेरे लिए रोड ब्लॉक कर दिए, टोल प्लाजे ब्लॉक किए। तो यूं मैं खुद जो है गलती कर गया। मुझे बेसिकली अपना बंदोबस्त पहले से करना चाहिए। मुतमईन वजीर आजम नहीं लग रहा होगा, मुतमईन कन्विक्ट लग रहा होगा। तो मैं बहुत जिम्मेदार फील कर रहा हूँ। पहले तो हम कहीं ना कहीं कोई लतीफ़ा भी सुना देते थे, अब तो जिम्मेदारी बढ़ गई है, लेकिन साथ में रकाबती भी बढ़ गई है। कोई बहुत ही बड़ी चीज़ है। केपी में और पंजाब और पाकिस्तान में हमारी लीडरशिप को सात सात मरतबा गिरफ्तार किया गया, और शहरयार अफरीदी और अली मोहम्मद खान जैसे लोग हैं जो 12-14 दफ़ा गिरफ्तार हुए। असद कैसर बेचारा आज भी नाकर्दा गुनाह में जेल में पड़ा हुआ है। हमारे हजारों वर्कर को जो है इन्होंने अलग तरतीब बोगस मुकदमात में बार बार गिरफ्तार किया, उनके घरों पे छापे, उनके भाइयों और उनके रिश्तेदारों को अगवा किया। इसका एक अच्छा नतीजा निकला, वो ये है कि लोग अब इस एफआईआरों में, दक्कम पील में, गिरफ्तारियों में, रायों में अब एक्सपर्ट हो गए हैं। अब इन ज्यादा से ज्यादा ये कर ही यही सकते हैं। और अब इंशाल्लाह आप देखेंगे अगले हफ्ते हम बुनियर जा रहे हैं, सवाबी में कर रहे हैं, नवशेरा में कर रहे हैं, और मैं अब पंजाब में भी एक आध हफ्ते में पंजाब में भी मैं इंशाल्लाह कन्वेंशन शुरू कर रहा हूँ। पाकिस्तान पीपल पार्टी के आसिफ अली जरदारी साहब को जो है कौम को वजाहत देनी चाहिए कि भाई जब आपको पता है कि ये बच्चा है, और वाकई मतलब उनकी बातों से भी लग रहा था जब ये टांगे क्या कर रहा था, टांगे कंपवा रहा था, काम पे टांग रही थी, मतलब ये कि उसको वजीर खारजा बनाया। आज उसके वालिद साहब ने उनका अपना पोल खोल दिया।